ईडी की हिरासत से जल समस्या को लेकर आया अरविंद केजरीवाल का संदेश। वहीं इस पर जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में भी जनता की फिक्र है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की समस्या है, उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद यानी रविवार को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि ईडी हिरासत में होने के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की पूरी व्यवस्था केजरीवाल जी की निगरानी में है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ उनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है, और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं, इसे लेकर मैं चिंतित हूं। चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं, जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी जरूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। आज भी, गिरफ्तार होने के बाद भी, अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं।